Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. और ये सेवन्थ एडिशन है, लिटरली ख़त्म होने पे आ गया है. कल इसका फाइनल है और ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर ये पहले भी फाइनल में आए हैं लेकिन ये हार गए कराची के साथ. आगे क्या होगा कल ये तो कल ही पता चलेगा. हमारे साथ तीन साबिक कप्तान इंतखाब आलम, सलीम मलिक और मिसबाह हक मौजूद हैं. कल के मैच पे कुछ बात होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने अपने व्यूज़ देंगे ये. कल के मैच पे अगर हम बात करें तो कल का जो मैच एक्चुअली बना है वो वाइजर ने बनाया है कि नहीं? हाँ, जिस तरह कलंदर जीत के आया है ये मैच, कल जिस तरह का मैच हुआ है बहुत कम ऐसे मैचेस आपको नज़र आते हैं, देखने मिलते हैं. नेचुरली इनका जो कॉन्फिडेंस होगा रॉकेटिंग हाई, और फाइनल से पहले अगर आप ऐसा मैच जीत जाएं तो जब फाइनल के लिए पहुंचते हैं तो नेचुरली आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका एक इमेज क्रिएट हो जाती है फौरन और यू लुक फॉरवर्ड. ये लास्ट आप ये उसकी आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि जो इसको तो वीज़ा लंबा मिल गया पाकिस्तान का. देखें, एक आदमी ने आपको मैच जिता दिया है. देखिए ना, एक ओवर में 28 रन कर दें, आप गलतियां करते हो तो मैच हारते हो, अगर आप गलतियां ना करें तो आप मैच जीत जाते हो. तो यही कल हुआ, एक ओवर में 28 कर दिए, उसमें 40 था, एक ओवर बाकी था, तो ये 28 करवा देने आखिरी ओवर में. फिर उसने जो आखिरी ओवर किया तो क्रेडिट गोज टू हिम द वे ही अप्लाइड हिमसेल्फ. बॉलर को क्या करें हम क्या करेंगे आप बॉलर के साथ बॉर्डर पार भेजे उसको किस लिए देखें स्कीपर पीजे, हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि आपको क्रिकेटिंग सेंस होनी चाहिए, जो बार बार हम तीनों लोग कह रहे हैं. कल के देखें, उसने स्कोर कर दिया, वाइजे ने जो बीजे ने जो भी था उसका नाम, उसने स्कोर कर दिया कल 28 स्कोर. एक इनिंग आपके सामने अब आ गई कि आपने ये चेज़ करना है. अब आखिरी ओवर्स में बहुत दफ़ा मैच चेंज हुआ, कभी लाहौर की तरफ गया, कभी इस्लामाबाद की तरफ गया, मगर एंड में जो सिचुएशन बनी हुई थी, जब चले सारे आउट हो गए, अंदर खेल रहा हमारा ऑलराउंडर क्या नाम है जी, हसन अली और आसिफ, हसन अली और आसिफ जब खेल रहे थे, आपको तीन ओवर आपने खेलने थे, 22 स्कोर था या 30 था जितना भी था, उस वक्त आपको ये देखना चाहिए था कि यार एक ओवर एक ऐसे बंदे ने करना है जिसकी पेस मेरे जितनी है, मतलब उसकी इतनी पेस नहीं है. आपने कोशिश की कि जो उनके बेस्ट बॉलर हैं उस पर कोशिश की आपने स्कोर करने की, जो कि जो हम बार बार कहते हैं कि यार आपको क्रिकेट का थोड़ी तो सेंस होनी चाहिए ना. आपने छक्का मारा, 6 रन की एवरेज चाहिए, आपने सिंगल की कोशिश नहीं की. आप सिंगल करके आखिरी ओवर पे मैच लेके जाएं, आपकी विकेट्स भी हैं इन हैंड हो, उस वक्त डर भी ना हो, अगर 12 भी करना होता तो आप आराम से उस पर कर सकते थे, क्योंकि आसिफ अली ज़्यादा बेहतर हिटे मारता है मीडियम पेसर को. उसने चांस ले रहा है उस पर जो वो उसकी उस जो ठीक ठाक पेस से बॉल करता है, तो बात ये है कि अगर वो थोड़ा सा अगर वो उस वक्त गेम में होता तो शायद इस्लामाबाद कल ये मैच ले जाता. और ये अपनी बेवकूफ़ियों से गया है, क्योंकि क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, जो हम बार बार कहते हैं कि उनको सामने स्कोरबोर्ड नज़र आ रहा होता है फिर भी वो गलती वही करते हैं जो नहीं करनी चाहिए. तो गुड लक टू लाहौर, लाहौर ने बहुत बेहतर खेला है और कल देखें मुल्तान सुल्तान भी बेहतर टीम है, मगर जैसे स्किपर ने कहा कि उनका मोराल हाई होगा मैच जीतने के बाद, मगर लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है. तो बहरहाल कल मैच अच्छा होगा लाहौर, क्योंकि जितना सपोर्ट कर रहा है लाहौर के क्राउड लाहौर को, वो यूं लग रहा है कि लाहौर मुल्तान को थोड़ा सा प्रेशर डालेगा. अच्छा, आपने क्राउड की बात की, जब वीज़े ने जब बाद में दे वेंट फॉर अ वॉक, तो वीज़े के लिए पाकिस्तानियों ने जो सपोर्ट किए, जो नारे लगाए, ज़रा ये हम आपको दिखाते हैं. आई मीन इट वॉज समथिंग लाइक लाहौर के पास एक नया हीरो आ गया है, एक नया सेलिब्रिटी, नया स्टार. सो ये दिखाई दी ज़रा वीज़े का, ये इसकी जो लाहौरियों ने जो इसकी अप्रिसिएशन दी है,
ये बड़ी ज़बरदस्त और ये बड़ा आपने कहा है ना कि एक अपनी पॉइंट उसके ये मिसबा आप इससे एग्री करेंगे इसके पर कि एक दिन आप हीरो हैं अगले दिन आप जीरो भी होते हैं एग्जैक्टली exactly, आप you know? आप देखें आसफ अली ने 4 छक्के मारे थे उसके बाद उससे स्कोर नहीं हो रही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है तो ये क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है उसके पर हमेशा कहते हैं कि ये एकदम लेवल कर देती है आपको वापस कर लिया थी और लाहौर तो आप कब तक लाहौर ये तो क्रिकेट के जितने शौकीन हैं आपको नज़र ही आ गया अनप्रेडिक्टेबल कितनी देर से क्रिकेट नहीं हो रही थी वापस आई है क्रिकेट तो लाहौर तो हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट करता है इसलिए कहते हैं ना लाहौर लाहौर है क्यों मिसबा आज फिर ये जो मैच पिछला हुआ है एक तो मैं इससे बात करूँगा आपकी शाहीन शाह अफरीदी की जो इंस्पिरेशन जो एंड में उसने अपना जो रिजॉल्व दिखाया है वो आपको कैसे लगा आई थिंक इट्स अ ग्रेट टर्न अराउंड फॉर लाहौर ओवरऑल आप देखें बॉडी लैंग्वेज ही उनकी चेंज है जब से शाहीन कप्तान आया आप देखें लाहौर इज़ अ डिफरेंट यूनिट क्योंकि जब आपका कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा जान मारूँगा और मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूँगा तो फिर आपकी जो बाकी टीम है ना वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकती एंड द वे ही इज़ कैप्टनिंग हिज साइड जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं मिस्टेक्स तो आपसे एक्सपीरियंस कप्तानों से भी होती हैं बट आई थिंक इतनी जल्दी अच्छी कप्तानी जिस तरह की वो कर रहा है मिस्टेक्स होंगी बट स्टिल बाकियों को देखते हुए एक्सपीरियंस कप्तानों को आई थिंक इट्स अ ग्रेट टर्न अराउंड द वे लाहौर इज़ प्लेइंग एनर्जी लेवल उनका उनकी जो ऑन द फील्ड बॉडी लैंग्वेज होती है टोटली डिफरेंट है और यही वजह है कि 2 मैच उन्होंने ऐसी सिचुएशन से पुल किए हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट मैच चले गए थे और शाहीन ने अपने टैक्टिक्स अंदर चेंज किए हैं खुद पहले बॉलिंग पे आ गया मेन बॉलरों को पहले लेके आया बड़ा ही उसने सोच समझ के कि वीजे का अच्छा दिन है उसको लास्ट ओवर पर लाया ये ऑन अ डे होता है किसी का अच्छा दिन चल रहा होता है तो वो आपको उसने बैटिंग में किया है लकी डे होता है लकी मैच होता है और उसने देखें 8 स्कोर बचाना आखिरी ओवर में इवन इट्स नॉट इजी फॉर अ टॉप बॉलर भी बड़ा मुश्किल होता है ऑन द अदर हैंड जैसे सलीम भाई बात कर रहे हैं इस्लामाबाद आफ्टर गेटिंग 2 विकेट्स स्टिल 170 के करीब जाने देना आखिरी ओवर कंडीशन को एनालाइज करना कि हमारा कौन सा बॉलर यहाँ पे आखिरी ओवर करेगा वकास मकसूद आई वुड से कि अगर पिच पे गेंद रुक रहा है जहाँ पे थोड़ी बहुत हेल पे बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा उसके स्लो वंस कटर्स ज़्यादा इफेक्टिव है ये पिच ऐसी थी कि जो ट्रू पिच थी बाउंस भी अच्छा था पेस भी अच्छी थी ग्रिप नहीं हो रहा था बॉल यहाँ आप किसी भी और बॉलर को यूटिलाइज कर सकते थे मोहम्मद वसीम को कम अज़ कम ऐसी उसमें रखते कि उसका 4th ओवर की ऑप्शन आपके पास होती तीनों से 2nd लास्ट ओवर मरहल में किया उसका आखिरी ओवर हो ही नहीं सकता अच्छी बॉलिंग वो 2 ओवर करने के बबाद वो बाहर था अतर महमूद ने 3 ओवर किए तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी विकेट के हिसाब से थोड़ी आगे पीछे हुई और आपको नुकसान कितना हुआ आपको 28-29 रन्स एक्स्ट्रा पड़ गए जो कि मेरे ख्याल में इतने बड़े मैच में बहुत बड़ा मार्जिन है मगर ये पीछे देखें ये है प्रेशर ये सिर्फ प्रेशर में ये चीज़ें होती हैं कि आप गलतियाँ करते हैं इस्लामाबाद ने गलतियाँ की यही मैच अगर इस्लामाबाद जीता होता तो हमने कहना था कि वीजे कब ओवर आखिरी ओवर क्यों रखा ये देखें ये गुड लक गुड और बैड की बात है कि आज इस्लामाबाद लाहौर की गुड लक थी कि उनकी सारी चीज़ें वो उन्होंने गलत खेले कैलकुलेट नहीं किया सही और वो जीत गए कि हर मतलब आखिरी ओवर का वेट ही नहीं किया उन्होंने आसिफ वगैरह ने जल्दी हिट कर दी तो ये है कि ये लक बड़ी फेवर करती है क्रिकेट में जिस दिन आपका दिन अच्छा होता है आपको चीज़ें फेवर कर जाती हैं तो मेरे ख्याल है कल लाहौर का दिन था कितनी दफ़ा लाहौर के हाथ से मैच निकला मगर उन्होंने कैश नहीं किया उन्होंने गलतियों पे गलतियाँ की आखिरी ओवर तक लेके नहीं गए हर चीज़ सही होती है हर चीज़ देखें ना लक की भी बड़ी फेवर करती है ना अगर अगर आखिरी ओवर तक वो चला जाता आसिफ तो शायद हम ये कह रहे होते आज के यार इसने देखे बॉलिंग आखिरी ओवरों में इसने उसको करवा दी जो हम कई दफ़ा पहले मैचों में हम कहते रहे कि यार इन्होंने सही बॉलिंग अपना मेन बॉलर क्यों नहीं रखा तो ये होता है आपको वर्ल्ड कप में याद होएगा 87 में उन्होंने उससे बॉलिंग करवा के स्लीम से तो 18 रन्स खाए थे हम 18 रनों से ही आ रहे थे तो ये गलतियाँ बहुत हो जाती एक जो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट ऑन इट
ये जो यू नो शाहीन की जो पेप टॉक आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और मुझे जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि विजय को उर्दू आती है, क्योंकि जिस तरह सुन रहा था वो उसे 28 कर दिए उसी इसमें फरीदी में फाइटिंग क्वालिटीज नजर आती हैं, यू नो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है। यस, के फादर लॉ में भी है। यस यस बिल्कुल है। तो इंटेंट है बड़ा, क्या कहते हैं, जज्बे वाला है। बीइंग अ फास्ट बॉलर, द गुड क्वालिटी टू हैव द फास्ट बॉलर, जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है, यू नो ही सेट इन एन एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल सेट करते हो तो मिसबाह ने भी कहा कि तन जो आपके प्लेयर हैं ना, वो भी मोटिवेट आपसे होते हैं, वो भी फिर आपके साथ चलते हैं। तो ये शोज के बहुत थोड़े वक्त में इसने इम्प्रूवमेंट्स की कप्तानी में आई है। ठीक है, बड़े बड़े कप्तानों से गलतियां हो जाती हैं, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। किस वक्त आप सही लेते हो डिसीजन, आपको पता है आपने सही डिसीजन लिया और वो गलत हो जाता है, और बाज़ वक्त गलत डिसीजन लेते हो तो वो सही हो जाता है, है ना। तो ये प्रॉमिसिंग है, बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मोटिवेट ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेट जो होते हैं, कई तो वेट करते रहते हैं, वो मोटिवेट होते ही नहीं है, वो वेट ही करते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ आप देखें कि ये फील्डिंग में भी बड़ी जान मारता है। इसने जितने भी मैचेस में शाहीन ने बिल्कुल कल कैच छूटा उससे हो जाता है मतलब, मगर ओवरऑल अगर आप देखो तो ये बड़ी जान मारता है। जान मारते देखो जी, जिसने 28 किए, व्हाट वंडरफुल शॉट्स, विजय को कितना ज़बरदस्त यू नो अप्रिसिएशन हो रही है। देखें ये होती है क्रिकेट, अगर विजय ना करता फिर इन्होंने शोर करना था विजय कैंसिल, अब कह रहे हैं विजय। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस शो। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा, और अभी हमें ज्वाइन करते हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक। इनके भी व्यू पॉइंट्स लेंगे, इनसे पूछें ये लेट क्यों आए, जो ट्रैफिक है आज आप देखें क्रिकेट के अलावा जो ट्रैफिक है इट इज़ एब्सोल्युटली, लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल कर सकता इसके पर। उस दिन मिसबाह वाज लेट, शाम को आते हुए आप भी लेट हो जाते हैं। मैं नहीं लेट हुआ भाई, नहीं आप नहीं। एक दिन हुए आप? नहीं मैं कभी ये इनके वो जो ट्रैफिक है ना, DIG वो इनके कज़न सर जी, मैं टाइम पे निकलता हूँ तो, बट ये लेट सब होते हैं, ये रिश्तेदारी को अपनी जगह पे नहीं, तुसी भी लेट हो, तुसी डाग वांड रहे हो। मैं तो सवेरे से आ जाना यार। सवाल, वो कौन सा अजीम लेग स्पिनर है पाकिस्तानी जिसने 67 टेस्ट मैचेस में 236 विकेट्स ली हैं, ये बताना है आपने, और आपको एक बैट मिलेगा, ये ऑटोग्राफ होके, और आप एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, सो आप हाथ ना उठाएं। फिल्टर खत्म हो गई? हाँ, फिल्टर खत्म नहीं है, है वो हमारा प्रोड्यूसर अभी देगा। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि एक तो ट्वीट आज एक आई, ये बड़ी मुझे अफसोस लगा इस ट्वीट पे, बहुत अफसोस कि फखर जमान ने, ये ज़रा दिखाएं जी ट्वीट, ये बड़ा ही अफसोस है कि यू नो वो कह रहे हैं कि भाई किसी के पास अगर कोई फाइनल की टिकट्स हैं तो बाय द वे माई फ़ोन इज़ ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजन्स, बट यू कैन रीच मी ऑन द होटल। स्किपर सलीम, मिसबाह, आमिर, हम भी क्यों? मैच से पहले तो आपको टिकटों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको तो फिक्र सिर्फ होनी चाहिए कि आपने मैच खेलना किस तरह का, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं, होना नहीं चाहिए, बट आपको पता है सब। स्किपर, बात ये है कि लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि यार आप पाकिस्तान के लिए खेल, चलो हम लोग तो अभी नहीं खेल रहे, वो लोग फख्र से स्किपर उसकी फैमिली बड़ा तंग आ रही होगी, हर कोई आपका रिश्तेदार हर कोई आगे कहता है यार पास कुछ पास कर दें, कोई पास कर दें। अब हम पिछले दिनों कितने दिनों से यही शोर कर रहे हैं कि यार हम तीन कप्तान बैठे हैं, किसी को टिकट आया, किसी को उन्होंने कहा है कि यार पहले टिकटें आया करती थी, कैप्टन्स की लहदा आती थी, प्लेयर्स की लहदा आती थी, अब हमने तो अब उन जो खेल रहे हैं करंट प्लेयर आप उनको टिकट नहीं दे रहे, ये तो ज्यादती है ना यार। क्यों आमिर मलिक? मुझे तो टिकट्स मिले हैं और मैं लोगों को दिए भी हैं टिकट्स, काफ़ी लोगों को दिए हैं, बोर्ड ने मुझे दिए हैं टिकट्स हैं, ऑब्वियसली अपना एक ताल्लुक होता होगा, शायद मलिक साहब से मैंने बात भी की थी, और साडा ताल्लुक खराब है तिना दा वो नहीं, आपने किसको फ़ोन किया? चलो साडा किसी को फ़ोन किया?
यार ये फोन करने की जरूरत होनी चाहिए हमें। वो जो आप बात कर रहे हो ना मलिक साहब, आप ठीक कर रहे हो, वो बेंचेस थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि वो जो एक लॉ एक रूल बना हुआ था कि जी आप टेस्ट क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप टिकट देते पहले मिलते थे, उसके बाद सिटी साहब ने आकर के वो चीज़ें ख़त्म कर दी। आप चूंकि ऑब्वियसली इतने लोग हैं, आपके पास अभी कितनी है टिकट जी सर? फाइनल की कितनी है कोई? फाइनल की नहीं है, मैंने अभी कल तक तो मैंने इतनी टिकटें लोगों को दी हैं, जो बहुत से लोग मेरे साथ काम करते थे, एजेंसीज थी वहाँ पे, उनको मैंने दिए, बोर्ड ने दिए मुझे टिकट्स, अभी भी दे रहे हैं। मोइन फाइनल की है कोई? नहीं अभी तक नहीं, जाने के बाद हो सकता है आ जाए फाइनल की। फाइनल की आपको चाहिए होगी? प्लीज मुझे दो दो टिकट चाहिए क्योंकि मैंने फखर जमान को देनी है, तो प्रोग्राम मैं करूंगा कल पे। वो कह रहे हैं टिकटें बहुत हैं जितनी आप चाहिए हैं, प्रेस नहीं हाली तक को खुले आज लिथुआनी वो डाइवो की है ये कलमा चौक साथ से ले गए। हाँ अगर वो जो इन्होंने रखा हुआ है ना उस पर कि वो टिकट सब सोल्ड आउट उस पर लिखा हुआ बुक मी पे ना सारा, लेकिन वैसे मिलते हैं टिकट, वैसे स्टेडियम चल जाए तो वो खाली होता जैसे नहीं, ये जो मिसबा बता रहा है कि वो वहाँ तो वो जो ग्राउंड्समैन है इधर उधर के एहलकार हैं इनके पास 20-30 टिकट्स होती हैं। Is it true? I don't think so. Is it? ऐसी चीजें हैं जो मगर मैं कह सकता हूँ, मगर एक बार एक साहब को मैंने ऐसी टिकट मांगे थे तो कहीं नहीं मिल रहे थे, साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी, तो मैं शेप्स में बैठा हुआ, वो ट्रेनिंग शेनिंग कर रहे, तो मैं उन्हें कहा था कि कुछ टिकट चाहिए कुछ देने, तो उन्होंने मुझे पूरी गड्डी जो होती ना टिकट्स की ला करके इमरान खान इनक्लोजर थी उन्होंने मुझे दे दी, तो मैं उनकी शक्ल देख रहा था कि यार आपके पास अब उनका मैं बाद में नाम बताऊँगा आपको, लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं था उस वक्त, उनका क्रिकेट के साथ एक क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका ताल्लुक नहीं था उस वक्त। ये फिर तो कैसे हुई इनको दे दी टिकट की? तो वो पूरी वो 50 की होती है वो था ना सारी, और इमरान खान इनक्लोजर उस वक्त सबसे ज़्यादा। तो आज इस सीरीज में अभी थी, अभी मैं बताया कि कल मैं मोर देन 80 टिकट्स मुझे आए ना। 80? यस मोर देन 80 टिकट्स, मोर देन, वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के भी थे दूसरे भी थे, और इन्हीं लोगों ने दोस्तों नहीं दी अपने जो थे। ध्यान से अगर भाई वापस घर भी जाना है आपने। मैं वो कवर्ड कवर्ड में ना वो जहाज की मुझे भी कुछ किसी ने 200 टिकट भिजवा दी थी कि यार ये। और यहाँ पे मैं एक जिक्र बिल्कुल करूँगा जी, मैं जाकिर खान का भी कि उन्होंने भी कल मेरे घर पे मुझे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की 4 टिकट्स और पार्किंग का वो भी सारा मुझे घर पे मुझे मिला। लोग जो है वो करते हैं, ये नहीं है कि आप कोई मॉडल मॉडल तो नहीं है आप? क्या कह रहे जी, क्योंकि उनके अलावा वो किसी को टिकट नहीं भिजवाते, आप शायद मॉडलिंग करते हैं। आप एक फोन करें मलिक, मॉडलिंग वालों से ताल्लुक है जरूरत है सर, जो आप बात करें ना सर वो आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा जानते हैं, आप जिस मुल्क में जहाँ पे आप रह रहे हैं, और आप तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, शीट से ऐसे हो जाए तो फिर फोन ही की जरूरत है। वो ऐसा होता है, कभी किया ही नहीं, नहीं वो एक लद है, वो एक इसको हर चीज को। अच्छा एक टिकट्स के अलावा जब हम बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक के फाइनल के अंदर एक इंक्लोजर जो लाहौर के या बाहर के स्कूल्स जिन्होंने अपने बच्चे भेजने होते हैं उनके लिए एलोकेट किया जाए? नहीं होना चाहिए, उनको आमिर से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि इनको 80-100 टिकटें मिलती हैं, क्योंकि बाकी तो लोग प्लेयर्स को मिल नहीं रही। एक्चुअली इसमें गुस्से की बात है नहीं, हाँ। अगर आपसे ताल्लुक मुझे दिए हैं बिल्कुल ठीक, नहीं आमिर वो लाहौर वालों को टिकट नहीं मिली, मुल्तान वालों को कहां से देंगे। बात यह है कि अगर हर चीज पे आप एक अना का मसला बना ले, हम लोग क्रिटिसाइज तो बड़े क्रिकेटर्स को करते हैं, हर चीज जो एक अच्छी चीज है वो भी इसको भी तो बता देना चाहिए ना। मैंने जैसे कहा कि मैं मोइन से बात की, मोइन ने मुझे टिकट, किसी ऐसे क्रिकेटर ने जिससे मैंने कहा उन्होंने मुझे टिकट्स भेजे, आज तक भेजे बबल में फोन के बाद, आज तक भेजे टिकट्स। चले मुझे मेरे पास एक टिकट आई है, उसने कहा है कि आप ब्रेक पे जाएं, मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL 7th एडिशन हंगामा, और हम जो बात कर रहे हैं ट्वीट्स आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग। मैथ्यू हेडन की एक ट्वीट आई है, ये दिखाएं जी ज़रा स्क्रीन के ऊपर है, उसने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को के जो वाइट बॉल के क्रिकेट छोड़ के जाके IPL में खेलने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स एन अप्रोप्रिएट ट्वीट, ये जो एक बहुत बड़ा टूर होता है, यहाँ तो ऑस्ट्रेलियंस आके क्यों उसके पर यहाँ तो तरसते थे कि पाकिस्तान के साथ खेले एक वक्त में, और अब यू नो वो क्या कहावत है, थोड़ी बहुत आ गया लगता तो ये you know, इस तरह ही है ना द क्वेश्चन इज ये इस तरह की। और एक और जो ट्वीट एक बड़ी इंटरेस्टिंग आई है जी कैलम फर्गसन की, यू नो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है, लेट्स हैव अ लुक। ये कैलम फर्गसन की ट्वीट है जी, वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट, एंड ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये
अब इस तरह की जो ट्वीट्स आ रही हैं, यू नो, दे क्वाइट क्यूटी मिसबा, क्या कहा है जी इसने ट्वीट में, यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा। ये शाहीन शाह अफरीदी की बहुत इसने तारीफ की है, उसने कहा कि बहुत ज़बरदस्त बोल रही है, बड़ी इनक्रेजमेंट है ये बहुत। मेरे ख्याल में ये तो शाहीन ने प्रूफ किया है, ना सिर्फ इस लीग में बस ओवरऑल प्रूफ किया उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। और द वे ही बोल्ड इन द वर्ल्ड कप, आपने देखें कि उसने दो ओवर में जितना बड़ा इम्पैक्ट वो मैच में डाल देता है, इवन T20 के मैच में दूसरी टीम वापस ही नहीं आती, फिर टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस की है, वन डे इंटरनेशनल हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है। क्यों हमें बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसबा के, उसने बहुत बहुत इसकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत है, प्रूव किया उसने कि वो बेस्ट है इस वक्त जो है, और जैसे ही माशाल्लाह उसका रिदम आ रहा है और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है वर्ल्ड कप से लेकर के अभी तक, इसमें कोई शक नहीं है कि वो। चलिए जी क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, पाकिस्तान का वो कौन सा अजीम लेग स्पिनर है जिसने 67 टेस्ट मैचेस में 236 ये विकेट्स हासिल किए हैं। हमारे साथ कॉलर है, अफजल है जी। अस्सलाम वालेकुम अफजल। हेलो जी अफजल, मेरा ख्याल शायद इनकी लाइन जी आ रही आवाज आपको जी, बोलिए क्या जवाब है आपका अफजल। चले आपकी लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल कर लीजिए, लाइंस खुली हैं आपके सामने। एक और जो चीज़ है जी, मैं जो बात जिस पे करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ PCB बड़ा अच्छा काम कर रहा है रमीज़ के अंडर, अभी तो वक्त बताएगा कि और कितनी बेहतरी आती है, लेकिन जब PCB हॉल ऑफ फेम में हम वसीम अकरम को लेके आते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट उठाई है, पीपल लाइक फजल महमूद, अब आप उसको लेके तो आ गए हैं, बट डोंट यू थिंक इन लोगों को पहले आना चाहिए? हफीज कारदार साहब को आना चाहिए था, कारदार साहब के पहले कप्तान थे, मियां साहब तो पहले अनऑफिशियल कप्तान थे, लेकिन वो इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल कैप्टन पाकिस्तान, इनको होना चाहिए था जितना उन्होंने क्रिकेट के लिए काम किया। बिल्कुल, देखिए ना, अब ये फजल महमूद हमारा एक लेजेंड, आई मीन लेजेंड ऑफ अ लाइफ टाइम, और डोंट यू थिंक क्यों जी सलीम मलिक, इन्होंने जितना देखें आज जितना भी हम लोग करंट प्लेयर से लेके हमारे टाइम पे भी जो लोग थे, इन लोगों की मेहनत की वजह से पाकिस्तान को स्टेटस मिला था। तो मेरा ख्याल है वो जो पुराने जितने भी लोग हैं 70-60 से लेके 80 तक के, उनको सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से आज हम लोग इतना क्रिकेट में हमारा नाम है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं जी। उस्मान है हमारे साथ, मोहम्मद उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या कहेंगे आप जवाब? पाकिस्तान का वो कौन सा अजीम लीग स्पिनर है जिसने 67 टेस्ट मैचेस में 236 यू नो विकेट्स हासिल किए? अब्दुल कादिर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, आपको ये बैट मिल जाएगा जी, ये ऑटोग्राफ हुआ हुआ। स्किपर मार्कर पड़ा है आपके पास? नहीं यहाँ नहीं पड़ा, चलें बाद में कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा, एड्रेस अपना लिखवा दीजिए। और हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जावेद मियां दाद ने टेस्ट मैच में कितने रन्स बनाए हैं? जावेद मियां दाद ने टेस्ट मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं? इसका भी जवाब हमें दीजिए 03172424045। क्यों जी फजल महमूद की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर दें, जैसे उन्होंने कहा इतने के बाकी लोगों जिन्होंने काम किया क्रिकेट के लिए, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बल्कि खुद भी इनको मैं समझता हूँ माशाल्लाह, जब जितना काम इन्होंने किया क्रिकेट के लिए, मलिक साहब हैं और भी हमारे जाहिद अब्बास, बड़े बड़े जो नाम हैं, मिसबा भी, सारे हमारे जो बड़े नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट बहुत कुछ किया, इन सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्यों जी अब उसके अलावा आपने एक दो नाम लिया, अब्दुल हफीज़ कारदार को तो आप भूल ही नहीं सकते ना, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते, बड़ी खिदमत हैं उनकी, लेकिन ना जितने भी बैंक्स और जितने भी डिपार्टमेंट आए वो उन्हीं की वजह से लोगों को नौकरियां मिली, याद है इसके पर जितने भी पहले जितने भी लोग थे, तो मेरा ख्याल उतनी उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के क्रिकेट में और प्लेयर्स के लिए, उन्होंने बहुत खिदमत की। और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँ, बशीर अहमद, आई खान, यू नो पीपल लाइक फिदा हसन जी, यू नो हू बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एंड यू गॉट ग्रेट नेम्स जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हुई है,
पिंडी से सलीम असगर है, जस्टिस कॉर्नेलियस। चले जी, आसिफ हुसैन है हमारे साथ तौनसा शरीफ से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम जी, क्या जवाब है आपका? जी मेरे भाई ये टीवी बंद कर दें, मेरी सुन लें आप। जी जी, कौन कौन जी? जावेद मियां दाद ने टेस्ट मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं? जी जावेद मियां दाद ने टेस्ट मैच में जो ना बनाए हैं 10,000 रन। ये आपका जवाब बड़ी बदकिस्मती से मैं कहता हूँ गलत है ये। ठीक है जी, दोबारा आए, दोबारा कॉल करें, हिम्मत नहीं हारनी हमेशा और कभी घबराना नहीं, आओ दोबारा आओ। यही चीज है जी, स्प्रिट होनी चाहिए हमारी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं खाली ये आंटी के पास नहीं गए ये इनकी आंटी झूठ बोलती है 10,000। वैसे इसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी, जब ये सारे इंडियन एक्टर्स आए थे, विनोद खन्ना, रेखा, तो मैं और जावेद इमरान के घर गए जमान पार्क में। मैं अभी तक याद है, हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे उसके लिए फंड रेजर, ये सब आए थे। इमरान इसके पीछे पड़ गया, मैं कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता, तुमने 6,000 अपने रन्स पूरे करने, तुमने 6,000 करने, तुम सीरियस हो जाओ, तुमने ये करना है। उसको कम अज़ कम कुछ नहीं तो 15-20 मिनट का लेक्चर उसने दिया अपने बेडरूम में कि तुमने ये करना है। उसके बाद फिर हम इधर आ गए, फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी थी। बट हैविंग सेड सो, 8,000 इज अ गुड स्कोर। आपके मिसबा कितने हो गए टेस्ट मैचेस में? मुझे अपना स्कोर याद नहीं, नहीं याद। सलीम आपके? मेरे 6,000 के करीब हैं। माशाल्लाह, आपके? आमिर 550-600। ओके, टेस्ट मैच। चले जी, हमारे पास अफजल भट्टी साहब आ गए। जी भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप? वालेकुम साहब, बिल्कुल। मैं तो आपका 1975 का पहला जो वर्ल्ड कप था वो भी मैंने सुना था आप खेलने से। अच्छा, तो मैं बड़ा फैन हूँ ये तीनों जो मेरे स्कीपर बैठे हुए हैं अलॉन्ग विद आमर, बल्कि आमर तो 3-in-1 थे, विकेट कीपर भी थे, बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे। यस, तो आई लाइक ऑल दीज कीपर वेरी मच। नहीं माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। तो कौन कौन है कहिए? ऐसे है जी, जावेद मियां दाद मेरे ग्रेट, मेरे बड़ा फैन हूँ उनका। तो उन्होंने 8,832 स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब आपका है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये बैट अब ये चारों साइन करेंगे और ये आपको मिलेगा। एड्रेस अपना प्लीज आप लिखवा दीजिए। और इनको मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री ने बताई है, ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट, वरना तो आंटी मदद करती हैं सारों की, लेकिन आंटी गलत भी लेके जाती है। मुझे सलीम को गलत देगी थी अक्सर गलत लेके जाती है। मिसबा, आपकी सबसे मेमोरेबल, ये तो हम रात के प्रोग्राम पे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपकी सबसे मेमोरेबल इनिंग्स कौन सी है पाकिस्तान के लिए? आई थिंक जो मैं वैल्यू करता हूँ वो लॉर्ड्स टेस्ट का 100, एक तो वेन्यू और दूसरा ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट था उसका। ओ, मुझे याद, आपने पुशअप्स लगाए थे ना? जी जी। वो क्या आपने बताया था, क्यों? बेसिकली हम तैयारी जब कर रहे थे उस टूर की, तो हमारा 2 वीक का कैंप लगा था काकुल में। ये दिखाएं ना जी, अगर वीडियो है ये दिखाएं जरा, ये जहाँ मिसबा ने पुशअप्स लगाए थे विद आर्मी ट्रेनर्स, और हमारे अपने ट्रेनर भी थे, तो वहाँ एक उनका प्रोटोकॉल था ग्राउंड में जाने या आने का, कि आपने जैसे ग्राउंड में आना है तो आपने 10 पुशअप करने, जब बाय पुशअप करने, हर एक्सरसाइज की जब चेंज करते तो उसमें भी आपने 10 पुशअप करने। तो इतने पुशअप हमने किए उस कैंप के दौरान, तो रोज़ के को 1,000 पुशअप होते थे। ये वैसे आपने ये T20 की मारी थी शॉट यार एक बीच में से नहीं, ये 2016 तो मेरा एक प्रॉमिस था उन लोगों के साथ कि जब मैं वहाँ पे गया और अगर अल्लाह ने मुझे 100 कराया तो मैं आपको याद करूंगा, वहाँ पे पुशअप करके सलूट करूंगा। तो ये फिर पूरी टीम ने पुशअप्स की थी है? वो बाद में सबने किए थे मैच जब जीते थे एंड पे। तो ये लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स यार बड़े लकी हो यार, हसरत होती है वैसे वहाँ 100 करने की। अच्छा, आपको उधर स्लोप है इसके ऊपर कितनी, 8 या 10 फुट की है उसकी स्लोप?
नहीं इतनी नहीं है, नहीं इतनी नहीं, कम है वैसे, आधा नजर आता है बंदा एक साइड से, एक साइड पे चले जाओ ना तो बिल्कुल वो जो हाफ सेट होगा वो तो नजर ही आएगा। देखिए वहाँ पे इतना मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जब ओपिनियन एंड से बॉल हो रहा था तो वहाँ से जैक बॉल बॉलिंग कर रहा था और उसका बॉल अंदर आ रहा था, उसने मुझे शुरू शुरू में ड्राइव वाले बॉल दिए, जब बॉल बिल्कुल पास आता था मैं थ्रू द लाइन खेलता था, बॉल मेरे पैड पे लगती थी, स्लोप की वजह से ऐसे बॉल पिच होने के बाद ऐसे होता था और मुझे पता था और मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि बहुत करीब खेलूं आने दूं, बट स्टिल पहले दो एक ओवर मुझे मुश्किल हुई, लकी था कि वो डाउन द लेग या कहीं ना कहीं मैं उसमें बच गया उसमें और लेग भी फोर हो सकता था, और दूसरी तरफ से बॉक्स बॉलिंग कर रहा था वो आउट स्विंग कर रहा था तो वहाँ से उसका गेंद बिल्कुल आगे से उसने आउट भी किए थे काफ़ी, स्लोप की वजह से बिल्कुल आपको लगता था कि मुँह में बॉल है और सडनली जब वो पिच होता था बॉल गायब हो जाता था, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है वहाँ पे। और जी इसको जो अगर बॉलर कोई अगर समझ जाए इसके पर, अगर आप उधर से जहाँ वो है ये नर्सरी एंड से वहाँ से तो गेंद आपका अंदर आता है और इधर से गेंद करें तो गेंद आपका बाहर जाता है इधर से फ्रॉम द पवेलियन एंड, और वो गेज और वहाँ से जो अंदर लेके गेंद आ जाए सर ये बड़ा मुश्किल है, अगर पहली दफा आप खेल रहे हैं नहीं, आप पवेलियन एंड से अगर बात कर रहे हैं तो स्लोप तो यूं यहाँ से अंदर आता है दूसरी तरफ से बाहर निकलता है उस, अगर आप नर्सरी एंड से बोल कर रहे हैं ना तो ऐसे है ना, यूं है हाँ इस तरह से है ना, तो यहाँ से अगर आप पवेलियन एंड से गेंद करे तो अंदर ही आएगा ना, वहाँ से जो करे तो वो बाहर निकलता है, तो इसको हमने यूटिलाइज भी किया, यासिर शाह पे यूटिलाइज किया कि अगर हमें चाहिए कि स्लोप के साथ उसका बॉल अंदर आए सीधे बॉल पे उसने आउट करना है, राइट हैंडर्स मोस्टली उसने पवेलियन एंड की तरफ से किए, और जब लेफ्ट हैंडर आया है तो क्योंकि वो स्लोप यूं थी और रफ से बॉल करवाने थे मुइन को, तो मुझे याद है अभी भी लोग सरप्राइज हो गए कि यार तीन आउट वहाँ से क्यों है, ये इसका एंड क्यों बदल दिया इसने, तो बेसिकली वो सिर्फ उस स्लोप को यूज़ करने के लिए और रफ से के लंबा ब्रेक होगा गैप बनेगा, वो वहाँ से आया उसने मुइन को वहाँ से गेंद किया, मुइन ने निकल के मारने की कोशिश की विद स्लोप ज़्यादा टर्न मिला बोल्ड हो गया, ज़बरदस्त। चले जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, रात को आपके सामने हम दोबारा आएंगे 11 से 12 और ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे, लेकिन कल है इसका फाइनल, वी होप इट्स अ गुड फाइनल, एंड ऑफकोर्स आज रात का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम बात करेंगे इनके करियर्स की, आमिर तो नहीं होंगे।